गाइस वेलकम टू बाइक विद एपीके। सो गाइस आज हमारे सामने जो बाइक है यह है यामाहा वाइबर 125 2021 मॉडल। आज मैं आप सबके लिए एक रिव्यू लाया हूँ 2021 मॉडल का, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ पाकिस्तान के अंदर। मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है ड्यू टू सम इशूज़, लेकिन फाइनली वीडियो आ गई है। और इसके अंदर मैं आपको इस बाइक की स्पेसिफिकेशंस बताऊँगा। इस 2021 मॉडल के अंदर इन्होंने ग्राफिक्स के अलावा कुछ चेंजिंग किया है या नहीं की, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और उसके अलावा इसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, और उसके अलावा इस बाइक के प्राइस क्या है, तो इसकी प्राइस के बारे में बात करेंगे। तो मैंने वेस्ट किया अपनी बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इस बाइक के मीटर की बात कर लेते हैं। तो मीटर इसका बिल्कुल चेंज नहीं किया गया, मीटर इसका वही पुराना सेम टू सेम है। फीचर्स भी इसके अंदर सेम है, आरपीएम, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, गियर इंडिकेटर। अगर असेंबलीज में आए तो राइट साइड के ऊपर हेडलाइट ऑन ऑफ सेल्फ स्टार्ट है, लेफ्ट साइड के ऊपर हेडलाइट हाई लोन इंडिकेटर, लेफ्ट राइट हॉर्न। इसके अंदर अभी भी किल स्विच और डिपर मिसिंग है। अब आते हैं इस बाइक की हेडलाइट की तरफ। तो हेडलाइट भी इन्होंने बिल्कुल सेम टू सेम रखी है पुराने मॉडल जैसी। हेडलाइट स्पोर्टी लुक वाली है। और अगर इसके जो इसका बल्ब है उसकी बात की जाए तो हैलोजन बल्ब है इस बाइक की हेडलाइट के अंदर। इंडिकेटर्स इसके छोटे से इंडिकेटर्स लगाए गए हैं। अगर बाइक के फ्रंट शॉक्स की बात की जाए तो टेलीस्कोपिक फॉक्स बाइक के फ्रंट शॉक्स हैं। इस बाइक के अगर फ्रंट टायर की बात की जाए तो इस बाइक का जो फ्रंट टायर है वो 2.75/18 का फ्रंट टायर है। 18 इंच के बाइक के अंदर अलॉरिम्स हैं और फ्रंट पर एक सिंगल पिस्टन डिस्प्ले अवेलेबल है इस बाइक के अंदर, जिसकी स्टॉकिंग पावर बहुत अच्छी है। और चेंजिंग की अगर बात की जाए तो चेंजिंग फ्रंट से इन्होंने कोई भी नहीं की। अब आता है टैंक के अंदर, जिसमें इन्होंने मेन चेंजिंग की है। तो ग्राफिक्स आप देख सकते हैं, ब्लैक के अंदर इन्होंने बहुत ज़बरदस्त ग्राफिक्स इन्होंने इसके अंदर लॉन्च किए हैं और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इसके ऊपर ये ग्राफिक्स। इसके अलावा ग्राफिक्स के अलावा कोई भी चेंजिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स की चेंजिंग है। इन्होंने बिल्कुल होंडा वाला काम किया है, सिर्फ ग्राफिक्स चेंज किए हैं और बाइक के अंदर ओवरऑल कोई एडिशनल फीचर कोई इन्होंने नहीं लाए, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने ग्राफिक्स चेंज किए हैं। अगर टैंक कैपेसिटी की बात की जाए तो 13 लीटर इसकी टैंक कैपेसिटी है और 45 to 50 km/L आपको एवरेज दे सकता है ये बाइक। उसके अलावा वही स्पीड पर डिपेंड करता है, अगर आप स्लो चलाएंगे तो अच्छी एवरेज मिलेगी, अगर आप तेज़ चलाएंगे तो एवरेज ख़राब मिलेगी। उसके अलावा इस बाइक की सीट आप देख सकते हैं, काफ़ी सॉफ्ट और कंफर्टेबल सीट इसके अंदर लगाई गई और काफ़ी अच्छी सीट है। अब आते हैं इंजन की तरफ। तो इस बाइक का जो इंजन है वो 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है और उसके अलावा इसके अंदर बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल्ड है, जिसकी वजह से बाइक वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा कम प्रोड्यूस करता है। अगर इस बाइक की डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो 124 क्यूबिक सेंटीमीटर इसके लिए डिस्प्लेसमेंट है। इस बाइक का जो बोर है वो 54 mm है और स्ट्रोक भी इस बाइक का 54 mm है। इस बाइक के अंदर जो कंप्रेशन रेशो है वो 10.0:1 इस बाइक की कंप्रेशन रेशो है। इस बाइक के अंदर आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों मिल जाएंगे। उसके अलावा इसके अंदर कार्बोरेटर की बात की जाए तो इस बाइक के अंदर सिंपल कार्बोरेटर नहीं है, इस बाइक के अंदर आपको बटरफ्लाई कार्बोरेटर मिलता है, जिसकी वजह से बाइक की जो एवरेज है वो उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है और काफ़ी अच्छी एवरेज आपको मिल जाए उसकी वजह से, और आपको स्पीड में भी थोड़ा सा फ़र्क मिलता है। इसके अलावा अगर ट्रांसमिशन की बात की जाए तो बाइक के अंदर 5 गियर्स अवेलेबल हैं और पहला गियर आगे बाकी 4 गियर पीछे। इसके अंदर आपको रिटर्न शिफ्ट मिलेगा। अब आते हैं इस बाइक की साइलेंसर की तरफ। तो साइलेंसर आप इसका देख सकते हैं, इस बाइक के अंदर आपको ब्लैक पाउडर कोटेड साइलेंसर मिलेगा और जिसके ऊपर क्रोम प्लेट इंस्टॉल्ड है। और इन्होंने साइलेंसर वगैरह के अंदर भी कोई चेंजिंग नहीं की, साउंड भी इसका सेम टू सेम पुराने मॉडल जैसा है। टायर इसका बैक पर 90x90/18 का है और इसके अंदर आपको 18 इंच के अलाउंस मिलेंगे और बैक पर इस बाइक के अंदर ड्रम ब्रेक है। इस बाइक की ड्रम ब्रेक भी बहुत ज़बरदस्त है। शॉक्स इस बाइक के जो हैं वो बैक पर काफ़ी ज़बरदस्त स्विंग आर्म शॉक्स हैं इस बाइक के। अब अगर बैकलाइट की बात की जाए तो बैकलाइट भी इन्होंने सेम टू सेम रखी है। उसके अलावा जो बैक मडगार्ड है इस बाइक का वो हार्ड प्लास्टिक का है। सो गाइस अब बात करते हैं इस बाइक की लेंथ की। तो इस बाइक की जो ओवरऑल आपको लेंथ मिल रही है वो है 1975 mm, बाइक की विड्थ है 745 mm, बाइक की जो हाइट है वो है 1080 mm, बाइक की सीट हाइट 775 mm है, बाइक की जो व्हील बेस है वो है 1285 mm, बाइक की जो ग्राउंड क्लीयरेंस है वो है 145 mm। अब आते हैं इस बाइक के वेट की तरफ। तो इस बाइक का जो आपको ओवरऑल वेट मिल रहा है वो है 114 kg, 114 kg इस बाइक का वेट है। सो गाइस अब सबसे पहले इस बाइक के कंफर्ट लेवल की बात कर लेते हैं। तो कंफर्ट लेवल में मैं इसको हमेशा 10 out of 10 नंबर देता आया हूँ और हमेशा देता रहूँगा, क्योंकि इस बाइक के अंदर जो कंफर्ट लेवल है वो बाकियों से कंपेरेबल अभी तक नहीं है। क्योंकि इसके अंदर एक तो ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है, साथ साथ बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल्ड है, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस बहुत ही कम प्रोड्यूस करता है, 60-70 के बाद आपको फील होती हैं।
और उसके अलावा इसके अंदर शॉक्स भी बहुत अच्छे लगाए गए हैं। फ्रंट पर भी शॉक्स बहुत अच्छे हैं और बैक पर भी बहुत ज़बरदस्त शॉक्स लगाए गए हैं, जिसकी वजह से जो झटके हैं वो भी अब्जॉर्ब कर लेते हैं इसके शॉक्स, और जो वाइब्रेशंस जो इंजन प्रोड्यूस करता है वो भी काफ़ी हद तक इसका बैलेंस शाफ्ट अब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से आपको 60-70 तक वाइब्रेशंस नहीं फील होती। ब्लैक में मैंने आपको इसका कलर दिखाया था, आप रेड कलर में भी इसके ग्राफिक्स देख सकते हैं कि रेड कलर के अंदर इसके कैसे ग्राफिक्स हैं। रेड कलर के अंदर इन्होंने YBR को वाइट कलर में लिखा है और बाकी ग्राफिक्स आप डिटेल में देख सकते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की, तो पेंट क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी इनकी काफ़ी अच्छी रही है। 2015 मॉडल से अगर आप कंपेयर करेंगे तो उतनी ज़बरदस्त नहीं है पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी, लेकिन फिर भी गई गुजरी पेंट क्वालिटी नहीं है इसकी। अगर इसके टायर्स एंड ब्रेक्स की बात की जाए तो बाइक के टायर्स बहुत अच्छे लगाए गए हैं और ब्रेकिंग बहुत अच्छी है इसकी। पर्सनली मुझे ब्रेकिंग बहुत पसंद है। अगर इस बाइक की रोड ग्रिप की बात की जाए तो यामा हमेशा अपनी रोड ग्रिप की वजह से बहुत मशहूर रहा है, और इसके अंदर रोड ग्रिप इस बाइक की बहुत ज़बरदस्त है। इस बाइक को मैंने पर्सनली चलाया हुआ है, और उसके अलावा इस पर अगर आप चलाते हुए इसको डिस्क यूज़ करें तो बाइक स्लिप नहीं करता, वो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह डिस्क मारते हैं। और उसके अलावा अब आते हैं इस बाइक की गियर बॉक्स की तरफ, तो बाइक का जो गियर बॉक्स है वो भी बहुत स्मूथ है, तमाम गियर्स आराम से लग भी जाते हैं और निकल भी जाते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता। इसके बाद आते हैं इसके सीटिंग पोस्चर की तरफ, तो बाइक का जो सीटिंग पोस्चर है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। इसके अंदर अक्सर लोग लॉन्ग टूर्स करते हैं तो लॉन्ग टूर्स करने में कोई इशू नहीं है, आप लॉन्ग टूर्स इसके अंदर कर सकते हैं। और वैसे बेसिकली ये लॉन्ग टूर्स के लिए बना तो नहीं है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टूर्स पे लेके जाना ही चाहते हैं किसी बाइक को, तो आपके पास GS150 अवेलेबल है, आपके पास YBZ अवेलेबल है, YBZ को भी आप लेके जा सकते हैं, और भी कुछ बाइक्स हैं इस तरह के जो अवेलेबल हैं आपके पास जो आप लेके जा सकते हैं। इस बाइक को अगर आप फॉर एग्जांपल एक शहर से दूसरे शहर लेके जाना चाहें तो उसमें ठीक है, ये आपको थकाएगा नहीं ज़्यादा। इसके बाद आते हैं पार्ट्स अवेलेबिलिटी की तरफ, तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी का इशू 3-4 साल पहले तक था, अब नहीं है, क्योंकि अब इसके जो पार्ट्स हैं वो लोकली मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, इसी वजह से इसके पार्ट्स सस्ते भी हैं, ये भी कह सकते हैं क्वालिटी में थोड़े से हल्के हैं, सस्ते भी हैं, लेकिन आपको अवेलेबिलिटी होती है इसके पार्ट्स की, इसके पार्ट्स आपको अब मिल जाते हैं, आपको इशू नहीं है इसके पार्ट्स का। इसके अलावा आते हैं मैकेनिक्स की तरफ, तो मैकेनिक्स का भी इशू नहीं है, यामा के बहुत सारे शोरूम्स हैं, यामा के बहुत सारे आपको मैकेनिक्स मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे भी हैं काफ़ी बुरे भी हैं। अब पर्सनली मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा कि मैंने कुछ टाइम पहले अपने कज़न के बाइक का रिव्यू किया था, जिसके अंदर वो बता रहा था कि मैकेनिक्स उसको कोई अच्छे नहीं मिले, जिसकी वजह से उसके बाइक ने मिसिंग स्टार्ट कर दी थी, और उसके अलावा उसके बाइक के अंदर जो एवरेज थी वो उसमें काफ़ी फ़र्क आ गया था, उसकी एवरेज बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी। तो ये कुछ मसले आए थे, अगर आपका मैकेनिक अच्छा होगा तो बाइक भी सही रहेगा, अगर आप किसी अच्छे मैकेनिक को दिखाएंगे तो आपका बाइक भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगा, लेकिन अगर किसी गलत मैकेनिक ने हाथ लगा दिया तो फिर आपका बाइक का सत्यानाश हो जाएगा। उसके अलावा बेसिकली मेरा कहने का मकसद ये था कि आप कोशिश करें कि किसी अच्छे मैकेनिक को दिखाएं जो काफ़ी अच्छी तरीके से, जिसको बाइक का पता हो कि बाइक के साथ मैंने करना क्या है। उसके अलावा आते हैं रोड अडक्शन की तरफ, तो रोड अडक्शन की बात की जाए तो मेरे ख्याल में रोड अडक्शन इसकी अभी भी है, ये अभी भी बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है रोड पर चलते हुए, और लोग इसको मुड़ मुड़ के अक्सर देखते हैं कि ये क्या चीज़ जा रही है। बहरहाल अब आते हैं अपनी मेन चीज़ की तरफ जो कि है प्राइस, तो इस बाइक की प्राइस इन्होंने अभी रिसेंटली बढ़ाई थी, और बढ़ा के इन्होंने इसकी न्यू प्राइस रखी है 1,88,000 रुपीज़ इस बाइक की अब न्यू प्राइस है। अब बात करते हैं कि क्या आपको ये लेना चाहिए इतनी प्राइस में, नहीं लेना चाहिए। तो जिस तरह महंगाई अभी आसमान को छुई हुई है, उसके अलावा अगर आप इसके कंपेरेबल दूसरे बाइक्स को भी देखें, आप CG125 की बात करें तो उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है फीचर्स वाइज, स्पीड वाइज वो बेशक अच्छा है लेकिन इसके अंदर फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, कंफर्ट बहुत ज़बरदस्त है, तो प्राइस डिफरेंस तो बहुत है CG125 और इसके अंदर। तो मेरे ख्याल में इसके कंपेरेबल जो भी बाइक्स है, CB125F की आप बात कर लें तो CB125F आलमोस्ट इसके इसकी प्राइस और CB125F की प्राइस आलमोस्ट सेम है, वो इसके मुकाबले का ज़रा बाइक है कम्फर्ट वाइज लुक वाइज, तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि आप YBR लें। उसके अलावा भी अगर आप सिंपली किसी और बाइक के साथ इस बाइक को कंपेयर नहीं कर रहे, वैसे ही आप लेना चाहते हैं तो मैं कहूँगा ज़रूर लें, क्योंकि ये बाइक डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पर यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि स्पोर्टी और लुक है इस बाइक की, डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छा है। डेली यूज़ के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप 50-60 किलोमीटर का राइड करना चाहते हैं, या आप ऑफिस वर्क आप ऑफिस जाना होता है 50-60 किलोमीटर दूर है वो, तो आप आराम से इस पे जा सकते हैं, आराम से आ भी सकते हैं, स्मूथली आएगा। उसके अलावा पेट्रोल एवरेज बहुत अच्छी देता है ये बाइक, तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप ये बाइक ज़रूर लें। सो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र आप। आपको ये बाइक कैसा लगता है? बहुत पसंद है मुझे। क्यों पसंद है आपको? इसके कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो मुझे पसंद आई है, जैसे उसकी लुक आप देख सकते हैं, इसकी डिस्प्ले है और फ्यूल एवरेज और मीटर बहुत ऑल ओवर बहुत पसंद है। आप ऑन करते हैं इस बाइक को? आप मेरे पापा से सिफारिश करें और सब व्यूअर्स भी सिफारिश करें मेरी हमारे व्यूअर्स आपकी सिफारिश करेंगे और इंशाल्लाह आपके साथ आपके बाइक पर। थैंक यू।